हम एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कमल ने क्या किया? कमल ने विमल को गिराने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाकर रास्ते के बीच में रख दिया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आंधी से किसे और क्या नुकसान हुआ? उत्तर है, आंधी से कमल के आँखों में मिट्टी घुस गई जिससे उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों थर्ड क्वेश्चन, कमल की आँखों पर पट्टी बांधने का क्या परिणाम निकला? उत्तर है, कमल के आँखों पर पट्टी बांधने से उसे यह पता चला कि आँखों के बिना जीना कितना मुश्किल है। तभी वह विमल से माफ़ी मांगता है। बच्चों अब आप आपकी क्लास एक्टिविटी निकालिए, उसमें क्लास एक्टिविटी लिखिए और ऐसे वचन, एक वचन, बहुवचन, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, पत्ता एक वचन है, पत्ते बहुवचन है, वैसे ही आप 10 शब्द यहाँ पर लिखिए और नीचे लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, वैसे ही अब आप शब्द बनाकर अपने एक्टिविटी में लिखिए। बच्चों नेक्स्ट पेज पर प्रोजेक्ट वर्क लिखिए। इसमें कोई भी दो वैज्ञानिकों का चित्र लगाकर उनके बारे में 4-5 लाइन्स लिखिए।